प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हम लोग प्लेटो के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने प्लेटो की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव, प्लेटो का आदर्श राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है। हम सभी जानते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत उसके दर्शन की आधारशिला है। रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है वह है न्याय की प्राप्ति। और प्लेटो जो है अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय के स्वरूप, नेचर एंड हैबिटेशन, यानी कि स्वरूप और उसके निवास स्थान की विस्तृत रूप से चर्चा करता है। रिपब्लिक का प्रारंभ और अंत न्याय से ही होता है। एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि प्लेटो के में ने न्याय के बारे में रिपब्लिक में इतना अधिक लिखा है कि उसे हम ए ट्रीटीज कंसर्निंग जस्टिस, न्याय विषय ग्रंथ भी कहा जाता है। ये एक आपको बात नोट करने की है, इम्पोर्टेंट बात है कि प्लेटो के रिपब्लिक को क्या कहा जाता है, न्याय विषय ग्रंथ भी कहा जाता है। प्लेटो ने आदर्श राज्य में न्याय व्यवस्था की स्थापना के लिए दर्शन का शासन, राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था तथा साम्यवादी व्यवस्था का प्रावधान किया है। समाज में सभी जानते हैं कि प्लेटो ने बताया था कि मनुष्य को अपनी प्रकृति और अपने प्रशिक्षण के अनुकूल कुशलता पूर्वक कार्य करना चाहिए और दूसरों के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। पहले भी हमने पढ़ा था कि प्लेटो एथेंस वासियों से तथा वहाँ के राजा के व्यवहार से चिंतित था और उन बुराइयों को दूर करने के लिए समाज में एकता तथा सामाजिक भ्रातृत्व की भावना लाने के लिए भी प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्लेटो न्याय के लिए एक वर्ड यूज करता है जिसे कहते हैं डिकायोसून। इसका अर्थ होता है कंसर्निंग जस्टिस, यानी कि न्याय से संबंधित, और यही प्लेटो के न्याय का सिद्धांत का आधार है। अब हम एक बात करना चाहेंगे कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, जस्टिस है, उसको हम कहते हैं, ये एक लैटिन भाषा के शब्द जस से बना है जिसका अर्थ होता है बांधना, अर्थात कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा रहता है। और ये जो सोसाइटी है वो एक सेट ऑफ सोशल रिलेशनशिप होती है, मतलब सामाजिक बंधनों का समुच्चय है और हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में संबंध जुड़ा रहता है। इस संबंध के पीछे कुछ दायित्व और अधिकार होते हैं। प्लेटो का मानना है कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों का और कर्तव्यों का पालन, अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन एक निश्चित सीमा के अंतर्गत करना पड़ता है, और यही उन्होंने न्याय का रूप बताया है कि यही न्याय की गुहार है, यही न्याय की पहचान है। मरियम ने आधुनिक अर्थ में न्याय को परिभाषित करते हुए लिखा था कि न्याय उन मान्यताओं और प्रक्रियाओं का जोड़ है जिसके माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को वे सभी अधिकार और सुविधाएं जुटाई जाती हैं जिन्हें समाज उचित मानता है। और न्याय का संबंध कानूनी प्रक्रिया द्वारा उपाधियों को दंड देने की प्रक्रिया से भी हो सकता है, मतलब अपराधियों को दंड दिया जाएगा कानूनी प्रक्रिया द्वारा, और वह भी न्याय का रूप कहा जा सकता है। इस तरह से इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि न्याय का संबंध किससे है, समाज की मान्यता और विचारों से है, और न्यायिक प्रक्रिया में कानून के महत्व से है, और तीसरी बात आती है न्याय का उद्देश्य समाज द्वारा मान्य अधिकारों और सुविधाओं को जुटाने से है। प्लेटो का मानना था कि उसने पहले ये बताया कि न्याय क्या है के बजाय उसने ये बताया कि न्याय क्या नहीं है। तो इसमें उसने तीन चीजों का जो उस समय व्याप्त थी उनका खंडन किया है।
जैसे सबसे पहली बात है, उसका मानना था कि न्याय की उन्होंने जो ट्रेडिशनल थ्योरी है उसका खंडन किया है। न्याय की परंपरावादी धारणा जो उस समय व्याप्त थी यूरोप में, उसको जिसके प्रतिपादक सिफेलस हैं, उनका मानना था कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है। उनके पुत्र पॉलीमार्कस के अनुसार न्याय प्रत्येक व्यक्ति को वह देने में है जो उसके लिए उचित है, अर्थात कि न्याय एक ऐसी कला है जो मित्रों को भलाई और शत्रुओं की बुराई की जाती है। लेकिन प्लेटो ने इस धारणा का खंडन किया है। उसका मानना है कि न्याय हमेशा अच्छाई की ओर जाता है, बुराई की ओर नहीं जाता। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को शत्रु और मित्र के कटघरे में रखना कठिन है। कभी-कभी परिस्थितिवश एक अच्छा मित्र भी शत्रु हो सकता है, और कई बार ऐसा मुश्किल आ जाती है, हम किसी को भी देखकर ये नहीं पहचान सकते कि ये हमारा मित्र है या शत्रु है। दूसरी बात ये आती है कि प्लेटो का मानना था कि मित्र की भलाई करना उचित है, लेकिन शत्रु की बुराई करने से वो और भी नीचे उसका पतन हो जाएगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को पहले से भी अधिक बदतर बनाना न्याय नहीं हो सकता है। तो इस तरह से प्लेटो का मानना था कि न्याय की जो धारणा है वो सामाजिक हित से संबंधित है, ना कि व्यक्तिगत हित से, कि मित्र के प्रति भलाई करो और शत्रु के प्रति बुराई करो। ऐसे व्यक्तिवादी सिद्धांत पर प्लेटो यकीन नहीं करता था, वह सामाजिक हित के सिद्धांत से पर ही यकीन करता था। नेक्स्ट आ जाती है इसकी, न्याय की उग्रवादी धारणा। उग्रवादी धारणा के जो प्रवक्ता थे वो थ्रेसीमेकस थे। उनका मानना था कि न्याय शक्तिशाली का हित है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो शासक के हितों की पूर्ति ही न्याय कहलाती है। किसी भी व्यक्ति के लिए न्यायप्रिय होने का अर्थ है कि वह सरकार और शासन के हितों का साधन बन जाए। न्याय की इस धारणा का अभिप्राय भी यह है कि सरकार स्वयं सदा स्वार्थ के लिए शासन करती है तथा अन्याय न्याय से अच्छा होता है। लेकिन प्लेटो ने भी इस धारणा का खंडन किया। उनका मानना था कि व्यक्ति एक सामाजिक व्यवस्था का अविभाज्य अंग है, और इस सामाजिक व्यवस्था में उसके कर्तव्य निश्चित है। जैसा उन्होंने पहले बता दिया था कि व्यक्ति में तीन गुण पाए जाते हैं जिसके कारण उसके कार्य बटे हुए होते हैं। दूसरी बात है कि शासक कभी भी सीमित स्वार्थों के वशीभूत होकर कोई काम नहीं करता है। तीसरा, उन्होंने बताया कि न्यायी जो व्यक्ति होता है वह दूसरों को आनंद देने में, दूसरों की भलाई करने में यकीन करता है, वह कभी भी किसी की बुराई नहीं करेगा। तो इस तरह से जो प्लेटो की न्याय की धारणा थी वो उग्रवादी धारणा का भी जो उस समय मौजूद थी उसका प्लेटो ने विरोध किया। तीसरी आती है न्याय की व्यवहारवादी धारणा। इसको हम कहते हैं प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसका प्रतिपादन ग्लूकोन ने किया था। ग्लूकोन का मानना था कि जो मनुष्य है वह स्वभाव से स्वार्थी है, और प्राकृतिक अवस्था में जो अन्याय है उसको दूर करने के लिए मनुष्य ने एक समाज का निर्माण किया है। और उनका मानना था कि न्याय एक कृत्रिम व्यवस्था है जिसकी उत्पत्ति का आधार भय है, डर है, लेकिन ये दुर्बलों की आवश्यकता है, और न्याय दुर्बल का हित है। मतलब जो व्यक्ति थे वो आपस में डरे हुए थे और उन्होंने इस डर को न्याय का नाम दे दिया था। लेकिन प्लेटो ने, जैसा पूर्व में बताया गया आपको, कि उसका प्लेटो का मानना है कि न्याय मनुष्य के आत्मा में बसता है, ना कि किसी भी बाह्य समझौते में। न्याय व्यक्ति की आत्मा का गुण है और उसकी सहज प्रकृति है। न्याय का पालन हम भय से नहीं करके स्वाभाविक रूप से ही करते हैं। तो तीन बातें आपको क्लियर हो गई कि ऐतिहासिक अवधारणा क्या है, उग्रवादी अवधारणा क्या है और व्यवहारवादी अवधारणा क्या है। तो
इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो ने इन तीनों धारणाओं का खंडन करते हुए कहा कि न्याय मनुष्य की आत्मा का गुण है तथा मानव मस्तिष्क का स्वभाव है, और मनुष्य एक बार अगर न्याय को प्राप्त कर लेता है, इन गुणों को प्राप्त कर लेता है, तो वह सदाचारी, व्यवहारी और उत्तम मार्ग का अनुसरण करता है। तो प्लेटो के जो इस तरह के न्याय के संबंध में हमने ये चर्चा करी कि किस तरह से प्लेटो ने बताया कि जो न्याय है वो कुछ जो पुरानी परंपराएं हैं उन पर टिका हुआ नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि प्लेटो ने क्या न्याय की अवधारणा दी थी, जो पुरानी जो प्रचलित अवधारणाएं थी उनका, तीनों अवधारणाओं का प्लेटो द्वारा खंडन किया गया। और उनका मानना था कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी नहीं होता है और मनुष्य के स्वभाव में सद्गुण ही ज्ञान होता है। थैंक यू।